स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल त्रिवेदी, वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम, जर्माइनल एपिथीलियम एंड देयर फंक्शन, सस्ट इंट्राकुलर सेल्स, लीडिंग सेल्स एंड ETC। तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस टेक प्लेस इन द बॉडी कैविटी। ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ फर्टाइल लाइफ टेस्टिस डिसेंड इन द स्क्रोटल कैविटी विद द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए टेस्टिस बाहर आकर के, यानी स्क्रोटल सैक में या स्क्रोटम में आकर के पोजेट हो जाते हैं। अब देखिए, फॉर द बेटर स्टडी, टेस्टिस को स्क्रोटम से बाहर निकाल करके आज हम इसके LS की बात करेंगे, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करते हैं। जब इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को हम देखते हैं तो इसमें 3 लेयर आपको दिखाई देती हैं। सबसे पहले आपको जो मोस्ट आउटर लेयर है उसे कहते हैं ट्यूनिका वेजेनाइलिस, इस द ट्यूनिका वेजेनाइलिस मोस्ट आउटर लेयर। देन आफ्टर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज द मिडिल थर्ड लेयर, बेटा बोलते हैं इसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर के, यहां पर आप देख सकते हैं ये चीज सेप्टम के रूप में इंटरनली एम्बेडेड होती है, और इस एम्बेडिंग पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेप्टुला टेस्टिस बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बट जाता है, और अप्रोक्सीमेटली ये जो कंपार्टमेंट होते हैं वो 250 होते हैं। इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो इस द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इज अप्रोक्स 250, यानी ईच टेस्टिस कंटेन अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब देखिए बात आती है कि इसका जो बेसिक पार्ट है, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर से यहां पर शेडिंग की गई है, तो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये इसका बेसिक पार्ट है, आधारी भाग है। यहां पर कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड होता है, और जब भी कहीं पे कनेक्टिव टिश्यू होता है तो आप ध्यान रखें कि यहां पर नर्व सेल, लिम्फेटिक डक्ट, और लिम्फेटिक डक्ट के साथ साथ बेटा यहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होती है। अब देखिए यहां पर जो डक्ट सिस्टम आपको दिख रहा है, बहुत सारी नलिकाएं दिख रही हैं। इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हाईली क्वाइल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंस, इस द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स द नंबर ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज अप्रोक्स 1-3।
अब ये सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स पीछे की तरफ जब आप जाएंगे, यहां पे आप देख रहे हैं तो सारी की सारी ये ऐसे यहां पर डक्ट सिस्टम बना रही हैं, जो थोड़ा सा सेपरेट यहां पर आपको दिखाई देगा, और फाइनली दे आर ओपन्स इन ए एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस डक्ट सिस्टम बोथ आर सेपरेटेड टूगेदर, दोनों एक दूसरे से बेटा यहां पर ये अलग होते हैं। तो जो अभी मैंने यहां पर लाल रंग से आपको दिखाया, इसे हम कहते हैं ट्यूबली रेक्टी। ध्यान दें, यानी पोस्टीरियर एंड ऑफ द सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स इज कॉल्ड ट्यूबुलर रेक्टी, एंड फाइनली द ट्यूबुलर रेक्टी इज ओपन्स इनटू अ एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर, दिस एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। अब इसके साथ ही साथ जो हमारा टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस का एक फंक्शन और भी होता है कि दे प्ले रोल इन द रोल एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द कनेक्टिव टिश्यू, फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स आर प्रेजेंट, दीज सेल्स आर कॉल्ड इंटरटीशियल सेल्स, और सेल्स ऑफ लेडिंग। अब बेटा हम बात करेंगे इंट्राट्यूबुलर सिस्टम के साथ साथ, तो अब यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का मतलब है कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी डक्ट प्रेजेंस होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसको हम सीरियल में सेट करें, तो आप देखते जाइए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, कौन कौन सी डक्ट हैं जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंस है। क्वेश्चन क्या है कि इनको सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू द ट्यूबुलर रेक्टी। तो ये हो गया नंबर टू, ट्यूबुलर रेक्टी। ट्यूबुलर रेक्टी ओपन्स इनटू अ एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस पीछे यहां पर हम देख रहे हैं ये ब्लैक कलर से जो डक्ट दिख रही है, अप्रोक्सीमेटली इनकी संख्या जो होती है 15 to 20, और इन्हें हम कहते हैं बेटा वासा इफरेंसिया, सॉरी 15 to 20 नहीं, 10 to 12 वासा इफरेंसिया। तो फाइनली रेटी टेस्टिस इज ओपन्स आउट इन द वासा इफरेंटिया। तो दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डक्ट विच आर प्रेजेंस इनसाइड द टेस्टिस। नाउ वी डिस्कस सेल्स विच आर प्रेजेंस इन द सेमाइनल सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स एंड देयर फंक्शन। बेटा आप बात करते हैं हम लोग सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स, जर्माइनल एपिथीलियम और इस पर मेटोगोनिया, सेल्स ऑफ सर्टोली और इंटरटीशियल सेल्स की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट में लगभग हर साल यहां से क्वेश्चन जरूर उठता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि प्रत्येक टेस्टिस के अंदर इस प्रकार से हाईली क्वाइल्ड
ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स 1, 2, 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंस इन द ईस्ट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे अपन इसको फॉर द सिंपल ऑर्थोटेबल स्टडी इसको ऐसे बना लेते हैं, इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंस बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ब्लैक कलर से रेड कलर से जो आपको दिख रही है इस द बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखिए जहां भी कभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि इपिथीलियल टिश्यू ऑलवेज रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कहीं भी अगर ये पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, इपिथीलियम अगर पाया जाएगा तो वहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन निश्चित तौर पर होगा। अब इसके अंदर इनसाइड द ईस्ट सेमनीफेरस ट्यूबुल्स टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंस, फर्स्ट टाइप सेल्स इज कॉल्ड जर्माइनल इपिथीलियम और द जर्म सेल्स, एंड सेकेंड टाइप जो प्रोजेक्शन ये ब्लू कलर से आप देख रहे हैं इस द जर्म सेल्स और द स्पर्मेटोगोनिया। सेकेंड ब्लू कलर से जो सेल्स यहां पर आपको दिख रही इन्हें हम कहते हैं सेल्स ऑफ सर्टोलाई। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये जो सेल्स पाई जा रही इनके फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज फंक्शन ऑफ द जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस मेल गैमिट्स और स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, मेल गैमिट्स आल्सो कॉल्ड द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, और इस प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस जर्म सेल्स प्रोड्यूस मेल गैमिट्स और द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। सेकेंड टाइप सेल्स इस कॉल्ड द सेल्स ऑफ सर्टोली, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रीवियसली बिलोंग सेल्स ऑफ सर्टोलाई आल्सो कॉल्ड सस टेंटिकुलर सेल्स और नर्व सेल्स, देयर फंक्शन दी सेल्स हेल्प इन द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग स्पर्म, यानी नासमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म इज द फर्स्ट फंक्शन। Then it also called the nerve cells. They release and proteinic hormones inhibin to check overactivity of FSH. इनके द्वारा एक proteinic hormone inhibin secrete किया जाता है जो FSH की overactivity को समाप्त करता है। Third point, released anti-Müllerian factor present. Prevent development of Müllerian duct like the female, यानी मेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को न बनने देने के लिए यहां पर एक ये एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज किया जाता है सस टेंटाकुलर सेल्स के द्वारा। दे रिलीज्ड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स एबीपी, दिस एबीपी ये जो प्रोटीन्स होती है ये सेमाइनल
सेमाइनल, ये जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल से इसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन और द मेल हार्मोन्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है। दिस कंसंट्रेशन इज नेसेसरी फॉर द गुड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी एबीपी नहीं होगा तो उसका कंसंट्रेशन वहां पर मेंटेन नहीं होगा, और अगर कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी। दे ऑल्सो फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब बेटा इसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि तीसरी सेल्स भी होती, बट दिस सेल्स मींस लेडिक सेल्स ऑब्लिक इंटरटिशियल सेल्स प्रेजेंस इन द कलेक्टिव टिश्यू ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड दे सीक्रेट मेल हार्मोन्स एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरॉन विच इज प्रोवाइडेड द सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ द मेल। मेल को मैच्योर करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन अब रेगुलर वीडियो आएगा बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम जस्ट लाइक द इपिडिडाइमिस वासा डिफरेंसिया इजाकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा एंड ईटीसी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन अब नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे।